Hi guys, welcome to the Indian Gamer channel. हम खेले Spintires और पिछला एपिसोड आपने देखा था कि हमने पार्शल हमारा मिशन अकम्प्लिश हो गया था. डी क्लास को मैंने पहुंचा दिया था, सी को मैंने इतना चढ़ाई करके वहां तक पहुंचा दिया था जंगल में, लेकिन वो पलट गया था. लेकिन तब भी उसका लोड लॉस्ट नहीं हुआ था. मैंने उसे बचाने की कोशिश करी लेकिन मैं असफल रहा, लोड लॉस्ट हो गया. तो माना जाएगा कि डी ही क्लास पहुंचा. लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं अगर फेल हुआ तो मैं दोबारा एक बड़ी कोशिश करूंगा, और देखिए मैंने बड़ी कोशिश की है. अब आप पूछेंगे क्या बड़ी कोशिश है, तो वही ट्रक है. जी नहीं, ये C255 है. ये भी लंबे लट्ठे ले जा रहा है. ये 4320 नहीं है, वो सिर्फ मीडियम लॉक्स ले आ सकता है. ये मैंने दोनों ट्रक्स ये लंबे वाले लट्ठे खींच रहे हैं. अब दोनों ही लॉन्ग लॉक ट्रेलर्स हैं, यानी कि टोटल पॉइंट्स होते हैं 12. ज़रूरत है 8 की ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने की. मैं इस बार कोशिश करूंगा 12 पॉइंट्स ले आने की. आप कहेंगे बावड़े 10 तो पहुंचे नहीं, 4320 तो पहुंचा नहीं, और 255 को लेके निकले हो. मैं इसलिए ये हिमाकत कर रहा हूं क्योंकि मैंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया है, और मुझे लगता है वो आसान रास्ता है. तो चलिए कोशिश करते हैं. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. लेकिन मैं बहुत डरा हुआ हूँ क्योंकि 4320 255 में एक बात तो सिमिलर है, ये इतने वज़न लेके पलटने का बहुत डर रहता है. और मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कि वो बचाने की मैंने कैसे कोशिश करी और क्या क्या हुआ और क्यों नहीं वो बच पाया. चलिए लेकिन आज का गेम शुरू करते हैं. वाह वाह वाह, सुबह के 6 बज रहे हैं, बिल्कुल सुबह निकले हम. रात होने से पहले मेरे ख्याल से हम कहीं सही जगह पे पहुंच जाएं तो बढ़िया रहेगा. लेकिन मैं कंसंट्रेट करके चलूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं टेढ़ा नहीं करना चाहता ट्रक को, वो भी बहुत हैवीली लोडेड है. डी के पलटने की तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे उसके बहुत टेंशन है. और जब पलटने लगे तो थोड़ा सा ब्रेक लगा के, ये देख रहे हो आप, थोड़ा सा मैंने डी भी टेढ़ा कर दिया है. और मुझे वो घंटा नहीं दिखाई दे रहा कहाँ से आ रहा है. ये मैंने पत्थर के ऊपर से ले लिया, नहीं पत्थर साइड में हट गया. मुझे सी दिखाई नहीं दे रहा है, आ तो रहा है. सरकते ही रहे बस ये, मुझे और कोई मतलब नहीं है. वैसे बताओ बहुत, ये तो बहुत खतरनाक कोशिश कर रहा हूँ. मुझे वो पलटता हुआ दिखाई दे रहा है. अभी तो शुरुआत हुई है मेरे भाई, सुबह सुबह ऐसा ना कर यार. ये पलट रहा है, सीधा हो जा भाई, सीधा हो जा. शाबाश भाई, आज ऐसे करेगा तू शुरुआत में. C255 4320 की तरह मत निकल भाई तू, उसके बस की नहीं थी, तेरे बस की तो है भाई. ये देखिए मैंने बड़ा पत्थर क्रॉस किया है, यही पत्थर होते हैं जो पलटा शलटा देते हैं. थोड़ी सी भी रोड टेढ़ी होती है ना तो मुझे डर लगने लगता है. मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल सीधे सीधे ट्रक निकलें, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है. सीधे सीधे आप कैसे निकाल लोगे. अच्छा, मैप मुझे देखने की शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैंने वो जो है रास्ता कई बार देख लिया है करके. क्या यही जगह है जहाँ से हमें मुड़ना है, एक बार मैं चेक कर लूँ गाइस, क्योंकि एक जगह से हमें मुड़ना है. ओ यही है, जी हाँ, हमें यहीं से मुड़ना है और यहीं से मुड़ना है कि गलत जगह से ना. अभी देखिए हो जाता काम. आगे से मुड़ना है, यहाँ से नहीं मुड़ना है, चलते रहना सीधे. अभी गेम हो जाता सारा ख़त्म. कहाँ लेके भटकता फिरूँगा मैंने रास्तों पे, अगर गलत रास्ते पे चला गया तो. एक नज़र सीट उस पर भी रखनी पड़ती है, C255 पे. आपने देखा अभी मैं वो कितना टेढ़ा हो गया था, अगर मैं उसे ज़रा ज़ोर से निकाल लेता तो वो पलट सकता था. ये बहुत, और टेढ़े भी बहुत हो जाते हैं. वैसे इन ट्रकों की काबिलियत है कि बहुत ज़्यादा टिल्ट ले लेते हैं, लेकिन आप ज़्यादा ट्राई करोगे तो आपने देखा ही है कैसे पलटते हैं. एक जगह मुझे याद है जो आगे आएगी, आपको भी ध्यान होगा, वहाँ तक मैं ले आया था, 4320 पलट गया था. शुरुआत में ही पलट गया था, ये अच्छी बात हुई
कि शुरुआत में पलट गया, कम से कम मेरे पास चांस था। लेकिन आप एक और चीज़ देखिए, डी का आप देख रहे हो फ्यूल कितना जल चुका है, मतलब 500 में से 300 करीबन बचा है, और अभी मैं लंबर से निकला हूँ। मैं इसे बहुत कर्री वाली हॉलिंग करवा रहा हूँ, ये आप समझ रहे हो, लॉन्ग लॉक्स तो खींच ही रहा है और ये पीछे भी लॉन्ग लॉक्स खींच रहा है, 12 पॉइंट अकेला। कितना डीजल चल रहा होगा इसका, 23 लीटर पर मिनट का डीजल चल रहा है। ये वही जगह आ गई, यहाँ मैं थोड़ा सा केयरफुली निकालूंगा, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ एक बार मैं ट्रक पलटा चुका हूँ और जहाँ मुझे बहुत बड़ी, ये देखिए हो गया काम, पत्थर बीच में आ गया लेकिन निकल गया। ये 8x8 की एक अच्छी बात है, इसके पहिए इतने पास पास हैं अपने आपस में ही कि पत्थर इनके बीच में नहीं रह सकता, उसे बाहर निकलना ही पड़ेगा या तो बॉडी के बीच में जाएगा। मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लूँ, मुझे बिल्कुल जो है राइट साइड में जगह बना के चलनी है, क्योंकि जब मैं टर्न लूँगा आगे से तो सी यहाँ से आए। लेकिन ये थोड़ा सा मुड़ जा भाई, मुड़ जा, कहाँ जाने की कोशिश कर रहा भाई, मुड़ जा। ये देखिए ये टलकेरा गंदा वाला, पानी में से ही निकालूंगा वरना तो बहुत टेढ़ा हो जाएगा। आओ थोड़ा सा स्लोली निकालता हूँ, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, आराम से पानी में से निकालूंगा, क्योंकि मुझे पानी में ऐसा लग रहा है कि वो चपटी सरफेस है और ऊपर पत्थर भी हैं और टेढ़ा भी हो रहा है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा और इधर से ही निकालूंगा। किधर से आ रहे हो 255, मुखड़ा तो दिखा दो। सही जगह से आ रहा है, आप देख रहे हो उनके पीछे वाले पहिए तो चलते ही नहीं है, सरकते रहते हैं वो जब ज़मीन पर आएगा तब चलना शुरू होते हैं, तब तक तो स्लाइड करते रहते हैं। सही डिसीजन था जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ये थोड़ा चपटा तो है कम से कम, बस पत्थरों की दिक्कत है। मुझे बस एक चीज ध्यान रखनी है, आगे जाके एक मोड़ आएगा वहां पे मुझे बहुत पहले से मुड़ना। ये देखो ये 255 कितना टेढ़ा हो रहा है, क्या कर रहे हो 255। चल भाई तू लेके चलियो जरा, ये आप देख रहे हो उसको तो मैं पानी में से लेके आया हूँ, लेकिन बहुत टेढ़ा कर दिया ये मैंने। प्रोसीड करूँ क्या, ये आगे भी देखिए मैं गलत जगह ले रहा हूँ। कोशिश करता हूँ बहुत धीमे धीमे, सीधा होने लगा, थोड़ा थोड़ा सीधा हो रहा है। यस। प्रॉब्लम यही है ना कि मैं आगे वाला ट्रक कहाँ से निकालता हूँ, इतनी लंबी ये ट्रेन है। ढाड़ दूर की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये मैंने बहुत सारे पत्थरों पे ले लिया है ना। निकल भाई, तुम लोग तो सबसे बड़े ट्रक हो इस मैप के, तुम्हें कहाँ पत्थर रोक पाएंगे। प्रॉब्लम ये है जब डी इतना टेढ़ा हो रहा है तो फिर वो भी टेढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा ऐसे रोड पे लेने की कोशिश करता हूँ कि कम से कम वो तो सीधी जगह से आ जाए, डी टेढ़ा से आया है तो इधर ही लेने की कोशिश करता हूँ। C255 आराम से मेरे लाल, बहुत टेढ़ा हो गया वो भी फिर से, लेकिन धीमे ही धीमे निकालूंगा। आप देखते हो बोलते वक्त मेरी आवाज़ कितनी धीमी हो जाती है, वो तब मैं घबराया हुआ होता हूँ कि अब पलटा तब पलटा। चलता रहे भाई, रुकने का नहीं है, चलो खींच लिया मैंने उसे। हाँ ये बड़ी दिक्कत है यार, ये
आगे वाला ट्रक कहीं से भी निकालो आप, ये इतने लंबे हैं कि वो पीछे वाला कहाँ से आएगा, आप मतलब बहुत देखना पड़ता है। और एक बार को डी पलटे ना पलटे वो जरूर पलट जाएगा। मेरे ख्याल से मोड़ आ गया जहाँ हमें मोड़ लेना है। लेकिन 255 की एक बात है, सबसे अगर खूबसूरत ट्रक अगर कोई है इसमें, ताकतवर तो डी है खैर हर मैप में, लेकिन खूबसूरत 255 है। उसमें इतने ऑप्शंस मिलते हैं करने को। आप देखो उसके ऊपर भी एक पहिया लगा हुआ है 255 के। मैं आपको दिखाऊं कैसे दिखाऊं, एक सेकंड आपको दिखाता हूं मैं। ये देखो आप 255 के ऊपर पहिया लगा हुआ है, ये इसके यूटिलिटी पॉइंट्स हैं। 100 यूटिलिटी पॉइंट लेके चल रहा है। कैबिन प्रोटेक्शन है इसके पास, और इसके पास एक्स्ट्रा इल्यूमिनेशन है। अगर रात हुई तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जगमगाता है ये ट्रक। चलिए गाइज मोड़ आ गया है जहाँ पे हमें मोड़ना है, और इफ़ आई एम राइट तो यहीं पे वो नदी आती है। लेकिन ये मुड़ना तो है, मुझे पहले से ही मोड़ लेना था। अब ये देखिए मुड़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुड़ना मुश्किल हुआ तो मैं इन्हें डिटैच कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। आजा भाई आजा, मुड़ तो गया यार एक बार में। अभी कहाँ मुड़ा है, अभी आगे से पता चलेगा कि कहाँ आ रहा है। और मुझे ये डर लग रहा है उसको मैं रोड से ला पाऊँगा या वो कहाँ से आएगा ये भी नहीं पता। मैं एक नज़र रखूँगा उस पर। लेकिन ये देखिए ये मुड़ पाया, घंटा नहीं मुड़ पाया। और मैं पीछे अगर लिया मैंने तो फिर वो टकराएगा, पलटने का डर रहेगा। ना ना ना, ठीक है मैं समझ गया, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, वरना मैं डिटैच कर दूंगा। चलता रहे भाई चलता रहे। ले कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है चलो। ये टेढ़ा हो रहा है 255, टेढ़ा क्यों हो रहा भाई। मैं क्या कर रहा हूँ अब, मैं थोड़ा ज़बरदस्ती कर रहा हूँ ना, मैं वो नहीं करूँगा। मैं इसे रिलीज़ कर रहा हूँ, एक एक करके निकालता हूँ। नहीं मुड़ रहा, कोई बात नहीं मोड़ लूँगा पहले एक बार। चलो भाई अब तो अकेला तू, अब तो चल मोड़ लूँ फिर एक बार, जोड़ लूँगा ना मैं। चलो भाई मुड़ जा, अरे बहुत शक्तिशाली है। अरे मैं लॉक्स ना हटा दूँ बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लॉक्स तो नहीं हटा दिए मैंने, ओह शिट। पेशेंस ये सर्कस नहीं अलाउड करता गेम, और मैं सर्कस करने की ही कोशिश करता हूँ। आपने देखा वो लॉक से भी हट जाते सब, कितना गंदा मोड़ लिया यार। मैं कसम से यार क्या खेलता हूँ मैं भी यार, एक एक जगह पेशेंस मांगता है गेम, वहाँ पे भी मैं ध्यान नहीं रख पाता हूँ। चलो जी काफ़ी तेज़ नदी है तो मैं इस पर रिस्क नहीं लूँगा, और आके मैं उसको सी को जोड़ता हूँ। 4325 कहाँ पर है, आ जा भाई। हाँ सही किया मैंने यार, ये पलट वलट जाता मैं अब इसे आराम से मोड़ूंगा ना। चल भाई, और तू तो फेल हो गया, ये तो यहीं फंसा खड़ा है। जगह बना के आता हूँ, उसी जगह से आ रहे हो भाई तुम तो। और मैं इसे विंच विंच ज़्यादा ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिर आप जानते ही हो पलट जाता है। चल तो रहा है यार, और 255 ऐसे शक्तिशाली ट्रक है, मैंने देखा है। मैंने बताऊँ इसमें आपने दोनों तीन आपने सी क्लास देखे हैं, और मुझे क्या लगता है 4320 सबसे कमज़ोर है जो हमें शुरुआत से ही मिलता है, जिसको हम पिछली बार भी लकड़ियाँ लेके गए थे। चलते रहा भाई, पत्थर के ऊपर से नहीं जाना है। सही निकल रहा है ऐसे ही मैं, ये भी यार लंबे लट्ठे लेके चल रहा है, छोटी बात नहीं है ये। सही बता रहा हूँ मैं, छोटी बात नहीं है ये भी, लंबे लट्ठे लेके चल रहा है यार। डी के बराबर का काम कर रहा है ये, कहाँ डी का इंजन और कहाँ ये। चल भाई डी में जोड़ते हैं तेरे को। हम्म,
नदी क्रॉस करनी है। सर्कस थोड़ा सा हो रहा है लेकिन सामने ही रोड है अपने, अब पेड़ भी हैं। कोई गड़बड़ होती है अगर तो फौरन विंच लगाएंगे, फौरन। पेड़ होने चाहिए आजू बाजू में तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहता है। मैं ज़रा पहले ये लगा लूँ। ये लग गए। चलिए जी सब रेडी। चल भाई सही है, नदी ज़्यादा गहरी नहीं है, ठीक है। बड़ा खूबसूरत सीन आता है, देखो ट्रकों की ताकत की यही बात, बीच नदी में खड़ा हूँ मैं, ट्रक लेके बीच नदी में खड़ा हूँ, मज़ा आया था यही चीज़ें देख के। बल्ले बल्ले, चल भाई ज़्यादा मज़े ना लूँ मैं, कंसंट्रेट करूँ। अभी आगे भी पता नहीं कहाँ है जाना, और ये मैंने बहुत पगडंडी सी पे रास्ते पे ले लिया है मैंने, लेकिन कम से कम सीधा सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। सही आ रहा है 255 भी, कहाँ जा रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन वो डी को मैंने जो मोड़ा था ना वो बहुत गंदा मोड़ा था यार, वहाँ पेशेंस दिखाना था। अब लकड़ी के लट्ठे पलट जाते कौन जिम्मेदार होता यार, नहीं ट्रक तो सीधा रहता। सही निकल रहा है ना, एक और रास्ता तो है, सही मोड़ लिया, किसी चौड़े रास्ते पे आ गए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, टू फाइव फाइव भी मस्त आ रहा है। बस पंगा ये है कि ये जहाँ से डी आया है वहीं से आए, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी उधर से आया ना तो इसको पलटने का डर रहेगा। मैं नज़र रखता हूँ, फौरन हटाऊँगा मैं अगर ये टेढ़ा हुआ तो। बहुत ज़्यादा कीचड़ में हूँ मैं, लेकिन यहीं पे पता है डी की ताकत पता चलती है, कीचड़ में से खींच लेता वो भी। चलते रहो भाई चलते रहो, कीचड़ कितनी देर है, थोड़ी दूर तक और है। कीचड़ कितना भी हो बस रोड सीधी प्लेन हो, मुझे वो जो जिस रोड से आए ना उस पर ज़्यादा घबराहट होती है। ये देखिए, मुझे लगता है इसके C255 के पीछे वाले पहिए नहीं सही जगह से आ रहे हैं, एकदम सही चल रहा है मामला, बिल्कुल सही जगह से आया। ठीक, बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो भी रोड है ये बड़ी ख़तरनाक है, यहाँ पे छोटा व्हीकल तो चल ही नहीं सकता। कोई भी हाईवे वाला व्हीकल अगर मैं गलती से ले आऊँ तो वो भी फंस जाएगा, हाईवे वाले पहियों वाला, जैसे C255 है उसके में हाईवे वाले पहिए मिले हैं हमें, वो मैं ले आऊँ तो वो यहाँ खड़ा हो जाएगा, उसको पक्का पेड़ की विंच की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखिए ये डी क्लास जो है उसे भी खींच रहा है और खुद भी चल रहा है, यही ये अच्छी बात है। इतने बड़े पहियों का ये फ़ायदा होता है कि आप चाहे धीमे चलो लेकिन आप चलते रहोगे, रोक आपको कोई नहीं पाएगा। इसीलिए तो डी क्लास जो है मॉन्स्टर कहलाता है जंगल का, कोई नहीं रोक पाता, आप कुछ भी करो इसके साथ, ना डैमेज लेता है ना कुछ लेता है। मैंने कई बार तो इसे, मैं दिखाऊंगा आपको, वो मौका मिला बिना बॉडी के, कोई भी बॉडी नहीं लगाई। पहली बात तो बिना बॉडी के इतना खूबसूरत लगता है, इतना बिल्कुल मार्स रोवर लगता है, और फिर इतना ताकतवर ट्रक, और फिर मैं लेके निकलता हूँ उसे कहीं रोड वोड पे भगाता हूँ, इतनी तेज़ चलता है आपको सही में सीन। चाहे मैं 5 मिनट का वीडियो डालूंगा ज़रूर, आपको दिखाऊंगा जब ये स्पीड से भागता है डी क्लास तो कितना खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है टैंक गैस के पीछे एक बस तोप और लगा दो, मज़ा आ जाएगा। स्पिंटायर्स तो सिमुलेटर है लेकिन अगर कुछ ऐसा कर लें तो मज़ा आ जाए। अरे वो करना होगा तो किसी और गेम में जाएंगे ना। आप ये देखो कीचड़ कितना ख़तरनाक था। अच्छा मैं आपको स्टोरी सुना रहा था ना, मैं आपको बताऊँ क्या हुआ। मैं पता है जब मैं निकला हूँ डी क्लास का, मैंने लोड पिछले एपिसोड में ट्रांसफ़र किया, मैंने कहा लाओ C4320 का भी लोड जो है ट्रांसफ़र करवाएं, उसे सीधा करें जाके। डीज़ल बहुत कम बचा था, मैंने आपसे पहले ही कह दिया, आप इसमें भी देखो अभी मेरे पास सिर्फ 100 लीटर डीज़ल बचा है, लेकिन आप चिंता ना करें बिल्कुल इंतज़ाम सारे तैयार हैं इस बार गेम में। और उसमें मुश्किल से 20-30 लीटर बचा था, मैंने कहा लाओ उसे सीधा कर लेता हूँ C4320 को और तो मिशन हो जाएगा, फिर मैं जैसे तैसे पहुँचा दूँगा उसे गैराज पर। लेकिन मैं सही बताऊँ उससे पहुँचने से पहले ही जो है डीज़ल ख़त्म हो गया, डी क्लास खड़ा हो। चलिए ये तो निकल आए हम कीचड़ में से, सिर्फ पीछे वाला सी क्लास बचा हुआ वो भी आ जाएगा।
फिर क्या हुआ, मैंने कहा चलो अब जरा उस 6522 को लेके आते हैं जिसमें डीजल पड़ा हुआ है, उसमें करीबन 50 लीटर थे। मैंने कहा लाओ वो डलवा लूँगा तो थोड़ी देर काम चलेगा। 6522 को लेने गया हूँ, उसको निकालने की कोशिश करी है, आपको अगर ध्यान हो कहाँ पे हम उसे छोड़ के आए थे वो वहाँ फंस गया। अब आप देखो ये चढ़ाई शुरू हो गई है मैप में। अब आई चढ़ाई जो कि सबसे क्रूशल वो है, लेकिन मैंने ये रास्ता ऐसा ढूंढा है कि ये चढ़ाई थोड़ी आसान है, इसमें ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। आगे जाके एक मोड़ आएगा उस पर मुझे पेशेंस दिखानी है, वो मैं दिखाऊंगा, आराम से मुड़ूंगा। और वहाँ पे भी सारे जो है इंतज़ाम तैयार हैं, बिल्कुल आप चिंता ना करें। आप देखिए सारे इंतज़ाम वहाँ पे तैयार हैं, अगर आपको सामने दिखाई दे रहा है। अगर हमें कोई भी ज़रूरत पड़ी, पहले तो हमें डीजल की ज़रूरत है, वो डलवाएंगे। ये देखिए हमारे सारे इंतज़ाम, दो दो ट्रक हैं 4320-6522 और दोनों डीजल लेके खड़े हुए हैं। 2000 लीटर का डीजल है यहाँ पर, कितना भी जला लो आप, ये ट्रक डीजल लेके हर मैप में कोने कोने तक पहुँचेंगे। एक ऑफ रोड के पहियों के साथ है 4320 और वो दूसरा वाला हाईवे वाले पहियों के साथ है। और यहाँ पे पेशेंस की जो ज़रूरत की बात मैं आपसे कह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। आगे मोड़, आप देखो मोड़ आ रहा है। अब मैं पहले ही सोच के आया हूँ कि मैं एक एक करके मोड़ूंगा, ये एक साथ नहीं मोड़ सकते, एक साथ कोशिश करूँगा कुछ गड़बड़ कर दूँगा पक्का। पहले मैं डीजल डलवा लूँ। 4320 का है 1, भाई थोड़ा सा डीजल अगर आप डाल दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। भर गया ये पूरा, मैं कितना डीजल लेके आया था इसमें। अच्छा फुली फ्यूल्ड हो गया ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पूरा भर दिया। मैं क्या करता हूँ, अकेले डी क्लास को लेके निकलता हूँ। चल भाई पीछे मैं देख लूँ, वो लुढ़क वुड़क तो नहीं रहा है कम से कम, क्योंकि उसको मैंने ढलान पे खड़ा करके छोड़ दिया है और विंच में हटा चुका हूँ। ठीक है ठीक है, चलिए इसको भी प्यार से अगर मैं बोड़ दूँ एक बार में तो भी बड़ी बात होगी। ये देखा आपने कितना कर्रा पिकअप लिया, अकेला डी क्लास तो बहुत ताकतवर है, लॉन्ग लॉग्स हो चाहे कुछ भी हो। मैं थोड़ा सा ना जगह बनाते हुए मोड़ूंगा बिल्कुल देख के, क्योंकि इसे आप जानते हो मुड़ने में बहुत दिक्कत होती है और चढ़ाई के साथ मोड़ना है। अब मुझे एक ही मौका मिलेगा, क्योंकि बैग वैग करने में आप जानते हो सर्कस होते हैं, इसलिए मैं जितनी जगह मिल सकती है उतनी जगह बना के मोड़ रहा हूँ। मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही जगह बना ली है और अब मोड़ना मुश्किल हो रहा है। थोड़ा सा मैं रोड पे रखना चाहता हूँ, बस आगे वाले पहिए जो हैं वो पत्थरों पे ना चढ़ें। अगर रोड पे है तो मैं मोड़ लूँगा एक बार में, नहीं तो 6522 है उसको मैं मदद के लिए बुला सकता हूँ। मोड़ दिया एक बार में मोड़ दिया, यस, बिना किसी पंगे के। और आप देखो एक और चीज़ बता रहा हूँ, रुक जाओ बेटे कहाँ जा रहे हो, पलटा पलटी मत करा करो। उसको भी देखो आप, ट्रेलर भी कितनी सही जगह से आया है, इसलिए मैंने चौड़ा लिया था, वरना वो फिर इस पे चढ़ता ना फिर टेढ़ा होता ट्रक, वो खतरनाक चीज़ है। और हमारा 6522 भी खड़ा हुआ है, अगर ताकत की ज़रूरत होती, अगर ये सी क्लास नहीं चढ़ पाया फ़ौरन मैं इसकी मदद ले लूँगा। चलिए अब मैं डी को यहीं खड़ा करता हूँ, सी को लेके आता हूँ। कौन सा 255, चल भाई इंजन स्टार्ट कर। इसके भी पहिए कैसे धसे वसे से खड़े हुए हैं। ये चढ़ाई पता है इतना अच्छा रास्ता है, आप देखो बिल्कुल प्लेन रोड पे चढ़ाई हो रही है। अब यहीं पे खुदाई उदाई हो रही होती, रोड अच्छी ना होती तो दिक्कत होने लगती, लेकिन 6255 की एक अच्छी बात है, ये मुड़ने में परेशान नहीं करेगा बिल्कुल। लेकिन बात वही करनी है हमें, जगह बना के मोड़ना है क्योंकि, और ये देखिए खुदा हुआ इलाका पड़ा हुआ है, मुझे इसमें से ही लेना होगा, रुकना नहीं। ओह तुम तो रुक गए, नहीं नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे जगह बना के मोड़ना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वरना एक बार में नहीं मुड़ेगा। ये तो रुक गया, ये है आगे पेड़ तो है यार, ये पेड़ तक विंच पहुँचेगी, लेट्स ट्राई, नहीं पहुँचेगी।
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन है, ऑप्शन है। आइए सर, आपकी ड्यूटीज़ की ज़रूरत है। वैसे तो ये ताकतवर नहीं है 4320, लेकिन मेरे ख्याल से इसको तो खींच ही लेगा। विंच लगाता हूँ आगे जाके, ऑफ रोड वाले पहियों के साथ लेके आया हूँ उसे मैं, और यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आई थिंक, नहीं मैं थोड़ा सा सही से ही लगा लूँ। एक्चुअली मैं ना प्रॉब्लम क्या है, मैं भी इसे चाहता हूँ कि पूरी जगह बना के आए, नहीं तो फिर वही सर्कस होगा, फिर वो टेढ़ा होगा, और अभी ही यही पेशेंस की ज़रूरत है। यहीं पे रात हो गई, मैं रोड पे नहीं पहुँच पाया आज, मुझे लग रहा था मैं पहुँच जाऊँगा लेकिन नहीं पहुँच पाया रोड पर। चलिए दिन चला, मुझे 6522 लाना था, वो एक बार मैं खींच लेता, नेवर माइंड, इससे भी करके देखिए ले रहे हैं। चल भाई खींचना शुरू कर, और पत्थरों के ऊपर से मत निकलियो भाई, क्योंकि फिर तेरे को भी दिक्कत होगी और तू इसे भी नहीं खींच पाएगा। ये एक बार में मुड़ नहीं पाएगा, लेकिन ट्रेलर सही जगह से आ रहा, खुशी इस बात की है। खींच लिया यार, खींच लिया, दिक्कत नहीं हुई, सही खींच लिया यार, सही है, सही है, सही है। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलो चलो चलो, विन छोड़ सकते हो, बस मैं एक नज़र रखूं कि ये लुढ़के उड़के ना, उस पर नज़र रखनी है। सही ले आया मैं यार, एक बार में ले आया, देखा भी नहीं मैंने तो क्या हो रहा है। हाँ लुढ़का तो नहीं, नहीं लुढ़का। चलिए मैं ज़रा इसको साइड में कर दूं, वरना फिर टकराएंगे ये दोनों। अच्छा पावर ब्रेक तो हटाऊँ, पावर ब्रेक में बार बार भूलता हूँ। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं बेटा, पलट जाओगे। कितना गंदा पार्किंग करी है, ज़रा सा कुछ हो सरक जाए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए रात हो गई, टेंशन ही हो गई, लेकिन चलो मैं जितने खतरनाक इलाके तो उनसे निकल आया हूँ अभी भी, लेकिन पता नहीं। लेकिन हाँ रात हो रही है ना, अब आप इल्यूमिनेशन देखोगे इसका, कितना प्यारा इल्यूमिनेशन है C255 का, जो लाइटें लगी हैं ना इसमें एक्स्ट्रा, मज़ा दिला देंगी। ना ना पलट नहीं भाई, चल आगे, तेरे को मैं लगाऊँ उसमें डी में। अकेले वास्तव में बस की नहीं है सी के, कोई भी हो C255 हो, कोई भी हो, मैं एक बार ट्राई करूँगा 6255 के साथ, देखता हूँ क्या होता है। लेकिन तब तक डी क्लास है, तब तक मज़े लेते हैं। फटाफट बिंच लगाऊँ और चलें फिर यहाँ से, सुबह से पहले तो हम पहुँच जाएंगे मुझे ये लगता है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सुबह से पहले तो हम पहुंच जाएंगे। चलें, हो गया सब कुछ, चलिए सब बढ़िया है। चढ़ाई कर रहा डी क्लास, दो दो लॉन्ग लॉक ट्रेलर्स के साथ, मजाक है। बस अब दिक्कत ये है कि कोई आगे सर्कस ना मिले मुझे, मैं कोशिश करूंगा पूरी, लेकिन अगर सर्कस हुआ फौरन मैं दोनों की विंच हटाऊंगा। और आप देख ही चुके हो, दो दो ट्रक्स हैं अपनी मदद के लिए, पूरा असला बारूद तैयार है लेके, हम पंगा मैं होने नहीं दूंगा, आज तो ट्रक पहुंचेंगे। पिछली बार जरूर आ रहा था वो, मेरा सपना जो है एक साथ पॉइंट्स पहुंचाने का, दो लॉन्ग लॉक ट्रेलर्स, मतलब ये तो अल्टीमेट है, इससे ऊपर क्या है, दो लॉन्ग लॉक ट्रेलर्स, बड़ी चढ़ाई है। चढ़ता रहूं मैं, लेफ्ट राइट करके चढ़ता रहूं, कितने बड़े पहिए हैं डीके, सही में यार कुछ भी खींच सकता है, कुछ भी।
आ रही है अपनी रोड ट्रेन, आ रही है मस्त। अब चमकाना वो पीछे, आप देख रहे हो कितनी लाइटें हो रही हैं लाल लाल, वो डी उसी 255 का कमाल है। सिर्फ उसी में ऑप्शन है ये एक्स्ट्रा इल्यूमिनेशन का, ये जो आप एक्स्ट्रा लाइट्स लगा सकते हो। पहले उसमें कैबिन प्रोटेक्शन लगता है, फिर आप उसमें यूटिलिटी के लिए एक पहिया लगा सकते हो जो 100 यूटिलिटी पॉइंट लेके चलता है। मैं मोड़ लूँ वरना ये मोड़ेगा नहीं एक बार में, ये देख रहे हो आप कहाँ जा रहा है पता नहीं। अरे भाई मुड़ जाइयो भाई, मुड़ जाइयो एक बार में, मुड़ जा भाई। रोड से मत हट, मुड़ गया वो तो मुड़ गया लेकिन हाँ, अरे नहीं वो रोड से आ जाएगा 6255 तो रोड से आ जाएगा। आगे क्या हाल है, बहुत गहरा पानी है आप देख रहे हो, बहुत गहरा पानी है। ये टेढ़ा भी बहुत हो गया, ये इतना टेढ़ा हो गया तो वो तो कितना टेढ़ा होगा, उसका क्या हाल है, उसकी हाल अभी तो सही है यार। ये पंगा हो रहा है, ये डी इतना टेढ़ा हो गया तो वो भी बहुत टेढ़ा होगा, मुझे ये सब सोच के चलना पड़ता है वरना फिर खड़े खड़े अभी यहीं टेंशन हो जाएगी। इतनी दूर खींच के लाया हूँ, इतनी मेहनत से अभी देख, एक मिनट में खेल होगा। पता नहीं पानी कितना गहरा, डेंजरस वाटर लेवल कितना, डैमेज एक ले ली, ठीक है एक डैमेज ले ली, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक डैमेज तो चलता है। रोड किधर है, एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है, मैं सामने वाली पे जाऊँगा। हाँ अरे इसका भी तो ख्याल ले लूँ मैं, ये ना पलट जाए। पानी में से भी चलता ही जा रहा, मज़ा आ जाता है ये करके। अच्छा इसने अगर एक पॉइंट की डैमेज ले ली है वो कितनी ले लेगा, डूबेगा तो खैर वो भी नहीं, बस ये तो अच्छी बात है। आया डेंजरस वाटर लेवल आया, उसका तो अभी सही आ गया, वो तो अभी बीच पानी में भी नहीं है। उसने एक डैमेज ले ली, चार डैमेज ले ली, छह डैमेज ले ली, नौ डैमेज ले ली, वो तो पानी में बहुत डूब गया यार। अबे जल्दी निकल, वो बहुत डैमेज ले रहा भाई, निकल नहीं, तेरा डैमेज अभी भी ले रहा है, वो टेढ़ा भी बहुत हो रहा है, बहुत टेढ़ा हो रहा है, डैमेज भी लेता जा रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं, मैं चलता रहूँगा। सीधा हो गया सीधा हो गया सीधा हो गया, मैं जा कर रहा हूँ, दोबारा पानी आ रहा है यार। ये भी रोड वैसे ही खतरनाक सी रोड है, पूरा डूब गया यार वो भी पीछे वाला C255। एक बार रोशनी करके देख लूँ, ठीक है थोड़ा सा ये तो सही आ रहा है एकदम, इधर से लेता हूँ क्योंकि वो ट्रक टेढ़ा हो जाएगा, वो उधर से लिया तो इधर से लूँगा, इधर से ही वो आए 6255। यार ये तो खतरनाक टेढ़ा हो रहा है, अरे तेरी, तेरी तेरी तेरी, ये तो बड़ा खतरनाक जगह से ले लिया मैंने। ओ ये तो बहुत टेढ़ा हो गया यार, डी क्लास सी तो बहुत टेढ़ा हो जाएगा, ये अच्छी बात है। डी का आगे होने का ये भी फ़ायदा होता है, वो बता देता है कि कहाँ से लो कहाँ से मत लो। मैं थोड़ा सा यार पीछे नज़र रखूँ, मैं कर रही वाली यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा। शिट यार शिट, कम ऑन यार, हद होती है शिट यार, इस गेम ने तो मुझे परेशान कर दिया है। पलट चुका वो तो, मैं इसकी भी लॉक्स को जो है वो कर रहा हूँ। कम ऑन यार कम ऑन,
ये क्या है, मैंने ये कभी लूट देखा नहीं। अच्छा ये गिर भी जाएंगे। बोलो वो सीधा भी हो गया। वो कैसे सीधा हो गया वो पता नहीं, सीधा हो गया ना, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ वो सीधा भी हो गया। लो जी। अरे यार एक बताऊँ, एक मैंने गेम में देखा तो है गड़बड़। मैं एक सर्कस ट्राई करता हूँ। गाइज आज का गेम प्ले यहीं ख़त्म करते हैं, फेल तो हो ही गए। डिसलाइक दिस वीडियो। क्या यार इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, शिट फक। चलो टाटा बाय बाय, दोबारा कोशिश करूँगा। I hate you!